वेरी गुड इवनिंग, मैं प्रशांत सावंत। आज स्पेशली हम बात करेंगे पांच ऐसे शेयर्स की जिसके तरफ मुझे काफी ज्यादा उम्मीद है, जिसमें हम लोग निवेश कर सकते हैं। सबसे पहला शेयर होगा, और उसके साथ हम ये भी देखेंगे कि इन शेयर्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए फ्रॉम अ टेक्निकल परस्पेक्टिव। सबसे पहला शेयर जो मैं देख रहा हूँ और इसके बारे में हमने पहले बात की थी शो पे, वो है बलरामपुर चीनी, वन ऑफ द लीडिंग शुगर मैन्युफैक्चरर्स। एंड इसमें हम लोग ने जब स्टार्टिंग में बात की थी तभी समवेयर अराउंड 210 215 हम लोग ने एंट्री देखी थी फॉर एन इनिशियल टारगेट ऑफ 255। अभी अगर हम इसको देखें, ये चार्ट जो है, मैं सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, तो इसको हम मंथली टाइम फ्रेम पे लेके जाते हैं और इसमें हमको क्लियरली एक चीज दिखती है कि ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है। तो अब इसका मतलब क्या है, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। अगर आप यहाँ से देखो 2006 से लेके 2021 और इवन प्रीवियस टाइम जो था, यानी ऑलमोस्ट एक 15 टू 18 ईयर कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट हुआ है। अब इसका मतलब क्या होता है, तो मैं आपको एक सिंपल एक्सप्लेनेशन देता हूँ। अब सोचिए किसी ने इस लेवल में कभी बाय किया होगा 2010-2009 में अराउंड 166, तो ये सारे 15 ईयर से ये शेयर उसके नीचे था उसके प्राइस के। तो जैसे ही ये उसके प्राइस पे आएगा, वो सबसे पहले क्या एक्शन करेगा, वो उसे बेचेगा, he will sell it। इसके बावजूद, उस सारी सेलिंग के बावजूद, मतलब जो 15 इयर्स का सेलिंग रहा होगा यहाँ पे, उसके बावजूद प्राइस अगर ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट कर रही है, इसका मतलब ये होता है दैट द कंपनी इज डूइंग समथिंग दैट इट हैज नेवर डन इन इट्स होल लाइफ। जिसका मतलब वो प्राइस आपको ये, जैसे कि डिम्पी जी कहते हैं कि भाव और भावना, तो इसमें हमें ये पता चलता है कि ये भाव हमें इस भावना से वाकिफ करा रहा है कि ये कंपनी कुछ ऐसा कर रही है जो इसने कहे 15-16 सालों में नहीं किया है, कुछ तो अलग कर रही है। अब क्या कर रही है, ये हमें टेक्निकल पर्सपेक्टिव से जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। हमें सिर्फ ये चाहिए कि ये इस लेवल के ऊपर हमको बाय करना है, तो इसका टारगेट क्या होगा और ये पैटर्न क्या बताता है, मैं आपको ये समझाऊंगा। पहले तो मंथली चार्ट पे हमने देख लिया कि ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है, बट मंथली चार्ट पे हम कभी इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वहां की जो एक कैंडल है वो 30 दिन या 31 दिन की बनके एक कैंडल बनती है, तो इमोशनली पॉसिबल नहीं होता है। तो हम देखेंगे कि इसको अभी डेली चार्ट पे क्या किया जाए। मैंने इस पे सिर्फ बेसिक इंडिकेटर्स लगाए हैं, ये जो ब्लू लाइन है ये 20 मूविंग एवरेज है, नीचे की येलो लाइन 200 मूविंग एवरेज है और वॉल्यूम है। तो हम लोग सिर्फ प्राइस देख रहे हैं और वॉल्यूम देख रहे हैं और कुछ नहीं, क्योंकि जो मूविंग एवरेज होती है वो भी वॉल्यूम से ही आती है। तो हम सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम, ये दोनों चीजों को स्टडी करेंगे, क्योंकि ये दो चीजें मार्केट से रॉ मिलती है, बाकी सारे इंडिकेटर जो है वो हमने बनाए हुए, हमने मतलब किसी ने तो बनाए हुए हैं, दे आर ह्यूमन मेड। तो हमें सिर्फ देखना है कि प्राइस और वॉल्यूम हमें क्या बता रहे। तो अगर आप देखें, इसने जो ब्रेकआउट दिया है वो बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है, एंड इस ब्रेकआउट पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम है। इसके पहले अगर आप देखो तो ये जो लेवल पे सेलिंग हुई थी यहाँ सबसे ज्यादा वॉल्यूम था, तो ये सारे सेलर्स को निकाल के अब ये प्राइस ऊपर आ चुकी है। तो मुझे इसमें एक ऐसा व्यू है कि बलरामपुर चीनी में अगर हम लोग 266 के ऊपर एंटर करें, अभी आज ऑलरेडी ये 271 बना दिया, तो हम क्या करेंगे इस हाई के ऊपर, यानी 273 के ऊपर, समझो 275 तक हम इसे बाय करेंगे, और अपना इसमें टारगेट होना चाहिए कम से कम मेरे हिसाब से अराउंड 350-375, एंड ये हमारा फर्स्ट ट्रेड होगा बलरामपुर चीनी। सो शुगर सेक्टर में काफी ज्यादा मोमेंटम दिख रहा है और वॉल्यूम भी दिख रहा है, तो उसके साथ हम जाएंगे। फर्स्ट शेयर हमारा होगा बलरामपुर चीनी टू बाय फॉर अ टारगेट प्राइस ऑफ मिनिमम 350, बट ये पोजिशनल ट्रेड है, इसको हम पकड़ के रखेंगे, धीरे धीरे इसका स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे और जहां तक ये जाता है उससे हम ट्राई करेंगे कि इसके बहुत नजदीक जाके इसको सेल करें। तो फर्स्ट स्टॉक बलरामपुर चीनी हो गया। इसके बाद जो सेकेंड स्टॉक मैं देख रहा हूँ वो एक फार्मा स्टॉक है, इसका नाम है मॉर्फिन लैब्स। इसका कॉन्सेप्ट अगर आप देखो तो बहुत सिमिलर टू बलरामपुर चीनी है, और आपने अगर देखा होगा मैं जब भी शो पे भी बात करता हूँ तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि वो स्टॉक क्या कर रहा है, वो कंपनी क्या कर रही है, उससे ज्यादा
मेरे लिए मायने रखता है कि ये चार्ट क्या कर रहा है। तो अब मैं इसको देखता हूं और मैं वापस इसके भी मंथली टाइम फ्रेम पे जाता हूं, तो मुझे इस स्टॉक में भी ये दिखाई दे रहा है कि आप अगर इसको देखो, इसको ऊपर आने दीजिए, तो ये लगभग 2005 से लेके, अगर आप नीचे देखें, अराउंड 2004-5-2002 से लेके जो 2021, यानी ऑलमोस्ट 16-17 इयर्स, यानी कि बलरामपुर चीनी जैसा ही एक बहुत लंबा कंसोलिडेशन रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे ही इसके ऊपर प्राइस जाएगी और थोड़ी ऊपर, हम इसको 46.5 के ऊपर बाय करेंगे। अगर 46.5 के ऊपर डेली क्लोज मिले तो और बेहतर होगा, उसके ऊपर हम इसको बाय करेंगे। हम स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा रखेंगे, अराउंड 33-32 रुपीस का स्टॉप लॉस रखेंगे और इसको हम होल्ड करेंगे एक बहुत बड़े टारगेट के लिए, जो कि मिनिमम होगा 75, और इसके ऊपर ये कहीं भी जा सकता है। मतलब 75 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, इसके बाद ये नेक्स्ट टारगेट होगा इसका 120 लेवल पे, और 75 के आसपास आने पे हम ये करेंगे कि जो हमारी इन्वेस्टेड अमाउंट है उसको हम निकाल लेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे प्राइस से डबल हुआ रहेगा, और उसके बाद हम इसको सिर्फ होल्ड करते रहेंगे और ट्रेल करते रहेंगे। तो एक हमारा स्टॉक हो गया बलरामपुर चीनी शुगर, और सेकेंड हो गया मॉर्फिन लैब्स फ्रॉम फार्मा सेक्टर। अब थर्ड स्टॉक देखते हैं, जो कि स्पेशलिटी केमिकल से है, और इसके बारे में मैंने बात की थी शो पे, तो मैंने ये कहा था कि जब तक ये स्टॉक 1865 के ऊपर नहीं जाता है फिर से, तब तक बहुत ज्यादा चांस है कि ये 1780 तक आएगा। तो इसलिए हम रुकते हैं, हम 1865 के ऊपर ही इन्वेस्ट करेंगे, तब तक हम रुके रहेंगे। तो अगर आप देखो, आज का जो लो बना वो बराबर बना 1778, और मैंने अराउंड 1845 पे ये कहा था कि ये 1780 तक आ सकता है, इसलिए हम रुके रहेंगे। तो आज वो लो आ गया, इसी के साथ मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये 20 मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर अगर आप देखो तो इस सेलिंग के बाद एक हैमर जैसा पैटर्न बना है, जो कि दिखाता है कि यहाँ बाइंग आ रही है। तो अब हम एंटर कैसे करेंगे, हम ये जो सेलिंग, यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग जो आई थी, अगर आप वॉल्यूम देखो, इसके ऊपर हम एंटर करेंगे, यानी जो हमारा प्रीवियस लेवल था 1865, उसके ऊपर हम एंटर करेंगे, और हम तभी स्टॉप लॉस रखेंगे 1865 क्रॉस होने पे, हम स्टॉप लॉस रखेंगे अराउंड 1800, और हम टारगेट के लिए पकड़ेंगे अराउंड 1925-1950। इसमें दूसरा तरीका, यह हुआ ब्रेकआउट तरीका टू ट्रेड पिड लाइन। इसमें दूसरा तरीका होगा कि आज जो इसने डिप लिया है बिटवीन 1780s 1800, इस लेवल पे भी इसको लिया जा सकता है, और इसको स्टॉप लॉस एक छोटा सा लगाया जा सकता है 1745। तो यहां से ट्रेड शुरू हो सकती है, 1865 के ऊपर ऐड कर सकते हैं, और ये 1925 के ऊपर जाएगा तो ये बहुत आसानी से 1975, हो सकता है 2000 का भी टारगेट है, बट 1975 तक डेफिनेटली देगा। तो वन ऑफ द फेवरेट शेयर्स, इसको अगर आप ट्रैक करें ईयर ऑन ईयर, इस स्टॉक ने अराउंड 25-30% बहुत कंजर्वेटिवली दिए लास्ट 20 इयर्स से। तो ये बहुत अच्छा शेयर है, और आपके पोर्टफोलियो में ये होना बहुत जरूरी है। बट एक होता है कि पोर्टफोलियो में होना, और एक होता है कि किस लेवल पे इन्वेस्ट करना। तो हम इसको या तो इसी लेवल से बाइंग चालू करेंगे बिटवीन 1800 एंड 1780, या अगर ये ब्रेकआउट कर दे 1865 के ऊपर तो हम और ऐड करेंगे। तो हमारा ये तीन स्टॉक हो गए। अब हम जाएंगे एक बहुत कंजर्वेटिव स्टॉक के पास, जिसके ऊपर काफी टाइम से मैं ट्रैक कर रहा हूं, जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो आप अगर इसको देखो तो हमें पता चलेगा कि ये रेजिस्टेंस के नजदीक आया हुआ है। ओके, हम थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे जाते हैं और इसका वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं, तो आपको दिखाई देगा कि ये रेजिस्टेंस के नजदीक आया है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि इसको लेना चाहिए। उसकी एक वजह है, वो ये है कि इस प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर ये अगर डिप दे रहा है, और आपको ये गैप यहाँ दिख रही है, ये गैप है अराउंड 2420-2400, तो इस लेवल में अगर ये स्टॉक आता है 2420 से लेके 2400, तो हमें इसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। इसको हम स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे लगाएंगे 20-30 पॉइंट्स, और इसको होल्ड करेंगे बहुत बड़े टारगेट के लिए, जो हो सकता है 2625-2650, इस लेवल तक हम हिंदुस्तान यूनिलीवर को ट्रेड कर सकते हैं। और डेफिनेटली अगर आप लास्ट टाइम भी जब मार्केट कोरोना की वजह से गिरा था, तब हिंदुस्तान यूनिलीवर की मुंह देखो तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और अपोजिट टू द मार्केट थी। अब उसकी वजह कुछ भी हो, बट पैटर्न्स हमेशा टेक्निकली रिपीट होते हैं, और इसीलिए
ये कहते हैं कि चार्ट पे वो स्टोरी सबसे पहले दिखी जाती है क्योंकि वो पहले भी लिखी गई थी। तो अगर अभी भी कोरोना का समय चल रहा है तो हम वापस इस स्टॉक में ध्यान रखेंगे और इसमें इन्वेस्ट करेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 2625, मे बी इवन हायर 2650 तक भी जा सकता है। नॉर्मली मैं ये करता हूँ कि जहां मैं अभी कैटलिस्ट वेल्थ मेरी कंपनी है वहां पे मैं अराउंड 500-600 लोगों को एडवांस कोर्सेस में ट्रेन कर चुका हूँ, जो कि कैंडलस्टिक से लेके मार्केट प्रोफाइल, ऑर्डर फ्लो, ये सारी चीजें सिखाता है। वो सारा नॉलेज मैं क्लब करके आपको टारगेट्स बता रहा हूँ, बट मैं आपको कंफ्यूज नहीं करने के लिए एक बेसिक चार्ट लगाया हुआ है जहाँ पे सिर्फ 20 मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज लगाया हुआ है और हम लोग देख रहे हैं डेली, आवरली या वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम। आखिरी स्टॉक जो मेरे पास इस साल के लिए अभी फिलहाल एक 2-3 महीने के लिए जो पोर्टफोलियो में स्ट्रांग लग रहा है वो है EKC, यानी एवरेस्ट कांटो। तो आप इस स्टॉक को अगर देखें, मुझे इसमें एक हायर टाइम फ्रेम पे दिख रहा है कि ये भी एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट देने के नजदीक है और इसमें भी काफी टाइम से इस रेजिस्टेंस में ये अटका हुआ था, काफी अच्छा बेस बन चुका है एक मंथली टाइम फ्रेम पे। तो ये हम बाय करेंगे अराउंड 73-72 लेवल्स में, इसको हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे, हम इसका पहला टारगेट पकड़ेंगे अराउंड 100-9500, उसके ऊपर मेरे लिए इसके टारगेट्स काफी हाई अराउंड 120-125। ये जिस सेक्टर में है वो सेक्टर आज की तारीख में बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो सिलेंडर्स बनाता है, इंडस्ट्रियल का सिलेंडर्स बनाता है, ये आज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफी जरूरी है। वो हो गया फंडामेंटल साइड ऑफ इट। बट अगर आप इस चार्ट पे भी देखो, ये बेस मंथली चार्ट पे बना चुका है, ये एक बात हो गई। सेकेंड थिंग, वॉल्यूम्स भी कम हो रहे हैं और ये अगर आप देखो तो एक हायर बॉटम बन चुका है, हायर टॉप बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए हम इसको अभी लोअर टाइम फ्रेम पे ध्यान रख के हम इसमें इन्वेस्ट करना चालू करेंगे और एक अच्छी खासी क्वांटिटी इसमें बना के हम इसको होल्ड कर सकते हैं फॉर हायर टारगेट्स ऑफ 100-125, शायद इसके ऊपर भी। काफी अच्छा पैटर्न बना है और ये टारगेट्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि वॉल्यूम बहुत अच्छा इसमें ऑलरेडी दिख रहा है, तो हम इसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट करेंगे। तो हमारे ये 5 स्टॉक्स जो भी मैंने आपको बताया, जो कि बलरामपुर चीनी, मॉर्फिन लैब्स और हिंदुस्तान यूनिलीवर, एवरेस्ट कांटो और पिडिलाइट, इसमें हम डेफिनेटली अच्छे ट्रेड्स देख रहे हैं अगले 2-3 महीनों के लिए। तो आप भी इनमें बने रहिए और इन शेयरों के बारे में आप हम किसी शो पे भी आगे जाके शो में भी बात करेंगे, थोड़ा डिटेल में देखेंगे इसकी मूव कल परसों कैसे आ रही है क्योंकि मार्केट थोड़ा चौपी है, तो वो हिसाब से हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके पहले आपने अगर देखा होगा तभी भी मैंने लॉरस लैब, सुबेक्स, हर एक शेयर में यही बताया कि स्टॉप लॉस पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आज ही आपको मैंने बताया था गुलशन पॉलियोल, जो कि ऑलरेडी 10-12% बढ़ चुका है। तो स्टॉक्स ढूंढना चार्ट पे एक बात होती है, बट उसमें हर लेवल पे किस लेवल पे इन्वेस्ट करना, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना और कहाँ तक उसमें प्रॉफिट बुक करना, जैसे कि आज हमने 50% प्रॉफिट लॉरस में बुक किया, ये सारी बातें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। सो आई एम श्योर अभी जो हम लोग ने ये 5 स्टॉक के बारे में बात किया वो आपको अच्छा लगा होगा। आपको इस स्टॉक के साथ, मतलब एक होता है ऐसा कहते हैं कि देयर इज अ सेइंग कि giving the fish and teaching how to go for fishing. So from that perspective, अगर आप देखें, मैंने आपको एक logic भी बताया कि हम क्यों इसमें invest कर रहे हैं, just from a technical perspective. तो उस basis पे आप और stock भी ढूंढ सकते हैं या आपके portfolio में जो stock है उस पर आप ये logic लगा के दे सकते हैं कि ये strong है कि ये weak है, right? क्योंकि stock market में दो तरीके होते हैं, एक तो आप profit बनाते हैं पर आपका पैसा बचाना ये भी एक profit है, तो आप वो भी कर पाए तो आपने एक सीढ़ी ऊपर ले ली है और उसके बाद जितना आप सीखते जाएंगे डेफिनेटली आप करते, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट इनिशियली काफी चीजें सीख कर मेहनत कर ले तो ये किसी भी डिग्री से ज्यादा, जैसे कि एक होता है एजुकेशन टू गेट अ जॉब और एक होता है सेल्फ एजुकेशन, तो ये आप जिस दिन करोगे तो ऐसे आपको कई सारे स्टॉक्स मिलेंगे और हम डेफिनेटली इस चैनल पे जुड़े रहेंगे, आगे भी और स्टॉक्स की बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच और देखते हैं ये स्टॉक्स कैसे मूव करते हैं।